हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है पाइथन प्रोग्रामिंग की। ठीक है, आज के इस वीडियो में एक खास टॉपिक है आईडी का। आईडी यहां पे देख सकते हैं, आईडी एक प्रकार का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है पाइथन में। देखिए यहां पे लिखा हुआ है आईडी फंक्शन रिटर्न्स अ यूनिक आईडी फॉर द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट। तो जो भी आप ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में, उसकी एक यूनिक आईडी हर बार ये अलग अलग जनरेट करता है। ऐसा नहीं कि हर बार एक ही, All object in Python has its own unique ID. हर ऑब्जेक्ट का पाइथन में यूनिक आईडी होता है। The ID is assigned to the object when it is created. तो जब भी आप आईडी बनाते हैं पाइथन में, तो एक यूनिक आईडी क्रिएट हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस आईडी का यूज कैसे करा जाए। ठीक है, तो चलिए आइए इसको देखते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूँ, FRUITS फ्रूट नाम, फ्रूट्स नाम से एक टपल बनाता हूँ। अब यहां पे देखिए ये टपल है। अब टपल की पहचान क्या है, ये स्मॉल ब्रैकेट जो दिया गया यही टपल की पहचान है। ठीक है, अब यहां पे डॉटेड कॉमा ओपन करता हूं और इसी के अंदर फ्रूट्स के नेम लिखूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया मैंगो। ठीक है, फिर कॉमा देंगे और कॉमा देकर के अगला नाम डॉटेड कॉमा के अंदर ही लिखना है आपको। तो यहां पे लिख दिया मैंने ऑरेंज, ORANGE, ये लिख दिया ऑरेंज। ठीक है, फिर यहां पर कॉमा देकर के अगला जो है वो डॉटेड कॉमा के अंदर फिर लिखना है आपको। और जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया पाइनएप्पल, PINEAPPLE, पाइनएप्पल। ठीक है, फिर यहां लिख दिया कॉमा देके एप्पल, APPLE। तो ये हो गया। तो इस तरीके से एक टपल हमने तैयार कर दिया। लेकिन इस टपल को जब हम प्रिंट करवाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा कि टपल इम्यूटेबल होता है। तो यहां पर हम फ्रूट्स को प्रिंट कराएंगे, FRUITS। ठीक है, तो फ्रूट्स को जब प्रिंट कराएंगे तो ये पूरी सीरीज प्रिंट हो जाएगी। तो देखिए यहां पे चला के दिखाता हूं। यहां देखिए, यहां पर जो है आपको आउटपुट में मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल और एप्पल ये दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आईडी का क्या काम है, ये कैसे डिसाइड होगा। ठीक है, तो यहां पर एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहां से हम एक काम करते हैं, एक्स नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू यहां पे क्या देंगे, आईडी ऑफ फ्रूट्स, FRUITS, आईडी ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स की आईडी जो है हमें पता करनी है। ठीक है, और अब यहां पर हम किसको प्रिंट कराएंगे, एक्स को प्रिंट कराएंगे, यानी उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराएंगे। और देखिएगा हर बार ये अलग अलग यूनिक आईडी जनरेट करेगा। तो यही काम होता है आईडी का। एक बार चलाते हैं इसको। तो यहां पे देख सकते हैं, यहां पे 2325341138272 इस ऑब्जेक्ट की आईडी ये जनरेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन हर बार ऑब्जेक्ट को अलग अलग आईडी मिलेगी, अलग अलग मतलब जगह मिलेगा रैम में, तो वो अलग अलग आईडी जनरेट करेगा। अगर इसी को दोबारा चला देते हैं तो देखिए इस बार चेंज हो गया, यहाँ पे लास्ट में 72 था लेकिन इस बार 16 आ गया, तो यहाँ पे चेंज हो गया। फिर चलाएंगे तो फिर ये चेंज होगा। तो आईडी हर बार अलग अलग जनरेट कर रहा है। देखिए यहाँ पर भी अलग वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आईडी हर बार अलग वैल्यू जनरेट करेगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है ना, तो पाइथन में ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा भी जाता है। ओके, चलिए, थैंक यू।